myself, Mrs. Shukta Prashant, head of the department costume designing and dressmaking, GWPC Bikaner. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फैशन एक्सेसरीज के बारे में, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे फैशन एक्सेसरीज में सिल्क फैब्रिक से बने हुए स्कार्फ को किस तरीके से हम एक प्लेन फैब्रिक से एक्सेसरीज को यूज करते हुए एक बहुत ही फैशनेबल पार्टी वेयर सिल्क स्कार्फ बना रहे हैं। तो आज हम लोग पार्टी वेयर स्कार्फ के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें मटेरियल हमने सिल्क लिया है। सिल्क मटेरियल में हमने जो इसके मेजरमेंट्स हैं वो साइड टू साइड हेड के लिए हैं, प्लस ईज अलाउंस को लिया गया है। और जो आपकी लेंथ नज़र आ रही है ये एज पर डिज़ाइन, जितना भी आप उसको बैक में लंबा रखना चाहते हैं और उसके आगे आपको ये टैसल्स इस्तेमाल करने हैं। इस डिज़ाइन के अंदर जब हम एक प्लेन फैब्रिक से पार्टी वेयर स्कार्फ क्रिएट करते हैं तो ये हमने डिज़ाइन करा है, इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करा है। फैब्रिक को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद एक पोर्शन, जैसे सेमी सर्कल आप देख रहे हैं, एक पोर्शन में हमने प्रिंटेड सिल्क लिया है और दूसरा पोर्शन आपका खाली है। इसी तरीके से हमने सारे ब्लॉक्स को फिल किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर एक पैटर्न क्रिएट होकर के आया है। इसी तरीके से आगे का पोर्शन, जो हमारे ये पोर्शन हमारा फोरहेड को कवर करेगा, फोरहेड के ऊपर भी हमने बहुत अच्छा एक खूबसूरत डिज़ाइन लिया है। इसके अंदर हमने नाइफ प्लीट्स लिए हैं। ये पूरा फैब्रिक है करीब 2 इंच का, इसको हमने नाइफ प्लीट्स में कन्वर्ट किया है डिज़ाइन दे करके, ताकि ये अपने आप पे बहुत ही सुंदर उभर के पैटर्न फ्रंट में फोरहेड में शो हो। और यदि आप ये नहीं चाहते हैं तो आप एंड की रोज, 2 रोज के अंदर आप सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो बीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 इक्वल रोज हमने ले ली हैं और बीच की हमने रो खाली छोड़ी है। यदि आप चाहते हैं तो इसके अंदर आप हेरिंग बोन स्टिच भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसके अंदर आप चेन स्टिच की फिलिंग कर सकते हैं, ताकि आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। इसी के अंदर जो हमारे खाली पैचेस नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो आप ट्यूब वर्क भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इक्वल लेंथ की ट्यूब्स ले लेंगे और जहां जहां आपको ये एंड्स नज़र आ रहे हैं उनको आप ट्यूब्स से डेकोरेट कर सकते हैं। ये आपके नीचे टैसल्स आ गई हैं। टैसल्स में आप कॉर्ड्स ले सकते हैं, आप सैटन रिबन लेकर के उनको प्लीट करके वो आप नीचे हैंगिंग शो कर सकते हैं। इसी का ही एक वेरिएशन हमने यहाँ लिया है। ये आपकी आप पिंटक्स कर सकते हैं सिल्क फैब्रिक के अंदर। फैब्रिक कोई भी कलर का हो सकता है क्योंकि पार्टी वेयर है, हम इसमें सिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क कलर का फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्योर सिल्क लेंगे और उसके अंदर आप चाहें तो ये पिन टक्स हैं, पिन टक्स से आप फैब्रिक को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और इसके साथ में आप ये जो नीचे लटकन देख रहे हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे ली गई हैं, ओवरलैप करती हुई हैं। आप चाहें तो इसके अंदर आप बीड्स को पिरो करके ये आप रोज बना सकती हैं, जिससे कि आपका स्कार्फ जो है आगे की तरफ फोरहेड के ऊपर ये बीड्स आएंगी। तो ये जब हम वर्क करते हैं इसके अंदर, पिंटक्स भी हम कर रहे हैं इसके अंदर हम ये लटकन भी शो कर रहे हैं, तो हमारा स्कार्फ एक पार्टी वेयर लुक देगा। ये आप स्कार्फ किसी भी ड्रेस के साथ में विंटर्स में आप पार्टी में जब जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कार्फ को होल्ड करने के लिए हमने स्ट्रैप्स लगाए हैं। ये स्ट्रैप्स यदि आप चाहें तो आप ये नाइफ प्लीट के ही स्ट्रैप्स बना सकती हैं एंड तक, और नीचे आप टैसल्स लगा दें। थैंक यू।